What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to create login and sign up system in our PHP. जी हाँ guys, इस lecture में हम देखेंगे कि हम login and sign in system को कैसे create कर सकते हैं अपने PHP में. तो चलिए guys शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर डेमो के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए हम ऐसा ही गाइज हम मीन के साइन इन लॉगिन सिस्टम क्रिएट करेंगे. मीन के अगर मैं यहाँ पर करता हूँ साइन इन, तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जैसे कि लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है, और फिर यहाँ टाइप करता हूँ लॉगिन, ठीक है, और जैसे कि लॉगिन ओके @gmail.com और यहाँ पर एड्रेस कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लाहौर, ठीक है. अगर मैं यहाँ सबमिट करता हूँ तो डाटा हमारा सबमिट हो जाएगा, ओके, और हमें मैसेज मिलेगा सर इंसर्टेड डाटा सक्सेसफुली, ओके, और मैं फिर से यहाँ रिट्रैक्ट हो जाता हूँ, ओके. अब अगर यहाँ पर मैं साइन इन तो मैंने कर लिया, ठीक है, अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ और जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पर गलत टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ओ मैं डबल टाइम मैंने यहाँ पर इंटर किया. अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे एक मैसेज आने वाला, सर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर नॉट मैच, ओके ओके. अगर फिर से मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जैसे कि अगर लॉगिन और फिर पासवर्ड क्या है लॉगिन, ठीक है, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो अब यूज़र को उसका जो होम पेज शो हो जाएगा. सबमिट करता हूँ तो देखें वेलकम लॉगिन, और यहाँ से अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ से मैं दोबारा रिट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने यानी कि इंडेक्स पे, ठीक है. तो ये सब सिस्टम हम क्रिएट करेंगे. तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ये जितना भी हमारा ये फॉर्म है और ये जो आपको नेव बार शो हो रही है और यहाँ पर ये मॉडल आ रहा है, इस लेक्चर में ये सब हम एक लेक्चर में ही कवर करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए गाइज आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए, ओके. तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ओके. डेमो के तौर पर मैंने ये रेडी किया था और इस सेशन को हम यहाँ से कट करते हैं. कट करने के बाद ऐसे करते हैं, इसको हम डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके, डिलीट हो जाएगा ये नो. और यहाँ पर हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं लॉगिन अंडरस्कोर, ठीक है, लॉगिन, और बल्कि लॉगिन बस ठीक है, लॉगिन एंड बल्कि टाइप करते हैं एंड, ताकि ये रीडेबल रहे साइन इन. तो हमने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ index.php के नेम से, ओके. और यहाँ पर जो हम HTML का जो टैग है वो स्टार्ट होगा, ओके, हमें HTML, और यहाँ पर लिखता हूँ bootstrap b4cdn, ओके, सेव. और इसका जो बीजी कलर होगा हम करते हैं secondary, ओके, सेव करता हूँ. और यहाँ पर गाइज हम क्रिएट करेंगे नेव बार, ठीक है. तो नेव बार के लिए मैंने गाइस बूटस्ट्रैप में नेव बार मैंने कराया हुआ है, तो उसी का कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये जो नेव बार का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप कैसे नेव बार क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है. तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके. तो अभी के लिए जैसे कि ये कोड फालतू कोड है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ओके. इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको करते हैं बीजी डार्क, ओके, और पैडिंग इसका कर देते हैं 4, ओके, और ठीक है, ओके. यहाँ पर अब जो है हमें बटन कुछ ऐडअप करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और यूएल लेता हूँ, इसके अंदर ही हम यूएल लेते हैं और इसके अंदर जो क्लासेस हैं जो यूएल का वो हम ऐडअप कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो, ठीक है, कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके. यहाँ पर डबल कोट आना था और ये ऑटो की जगह सिंपल मार्जिन लेफ्ट करते हैं हम, ठीक है, सेव. और अभी के लिए लिस्ट जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव. अगर मैं ओपन करूँ तो आपको इस तरीके से शो होगी. अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि न्यू फाइल, ओके, यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर PHP के अंदर लेक्चर नंबर 29 है और उसके अंदर एक हमारा फाइल है लॉगिन अंडरस्कोर एंड सॉरी फोल्डर है ये हमारा, ठीक है, साइन इन, ओके, साइन इन,
और उसके अंदर हमारा जो फाइल है index.php, अगर इंटर करता हूँ तो इस तरीके से जो हमारा जो नेम बार आपको शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोड आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ओके। तो नेम बार का गाइज मैंने बताया हुआ कि कैसे कैसे हम नेम बार क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, अब ये दो लिस्ट टाइम को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस यूएल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस एंकर के अंदर हम अब बटन क्रिएट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं करता हूँ बटन क्रिएट, BUTT बटन, ओके। टाइप अभी कुछ भी नहीं है इसका, और यहाँ पर लिखता हूँ साइन इन, ठीक है, साइन इन। और इसी तरीके से इसको हम कुछ क्लासेस जो है अवॉइड करते हैं, क्लास BTN, BTN आउटलाइन वार्निंग, ओके, BTN लार्ज होगा ये, ठीक है, सेव। इसी बटन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इस कॉन्टैक्ट अस को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव। और ये होगा हमारे पास लॉगिन, ओके, सेव करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करूँ तो दो बटन जो है हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, साइन इन एंड लॉगिन, ओके ओके। तो अब थोड़ा सा इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर मैं स्टाइल लेता हूँ, ठीक है, स्टाइल, ओके। और जो एंकर है उनको हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, जैसे कि एंकर उनका जो फॉन्ट साइज़ है ना उसको हम कर देते हैं 20, ओके। और जो मार्जिन राइट जो है उसको हम कर देते हैं 4 पिक्सल, ठीक है, सेव। तो इनका जो है गाइस थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाएगा, मार्जिन राइट थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है इसको भी हम थोड़ा सा कर देते हैं, ये ब्रांड नेम है तो इसको हम एक आईडी असाइन कर देते हैं, यहीं पर हम दे देते हैं आईडी, आईडी ब्रांड के नेम से दे देते हैं, सेव करता हूँ मैं इसको। और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा हैश हैश ब्रांड, ओके। और यहाँ पर हम देते हैं इसको जैसे कि इसका जो फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 25 पिक्सल कर देते हैं गाइस, ठीक है। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ओके। और यहाँ पर हम कर देते हैं हाउ टू डेवलपर, ओके, हाउ टू डेवलपर, ओके, सेव। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें अब ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है गाइस वो हमने क्रिएट करना है मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे हम, मैंने बताया हुआ है फॉर मॉडल पोर्शन, इसका भी लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडल B4 मॉडल, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कोड आ गया इसका, इस टाइटल को हम यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद मैं इसको इस बटन के ऊपर रखूँगा ताकि ये हमें लेफ़्ट साइड पे शो हो, ठीक है। उसको कर देता हूँ लॉगिन, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, सेव, ओके। तो अब यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है जैसे कि ये बॉडी के अंदर ये पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए, ओके, और ये जो फुटर है ये भी मुझे नहीं चाहिए, ओके, सेव करता हूँ। और इस बॉडी के अंदर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म पोर्शन, ओके, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एंड, ओके। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर्म B4, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म, और यहाँ पर जैसे कि ये डाटा है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। Alt F3 प्रेस करता हूँ और ये सारा डाटा रिमूव हो जाएगा, ओके। जैसे ये 2-2 जो एक्स्ट्रा हैं इनको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जैसे कि ये हमारे पास है, ओके ओके, यहाँ पर इंटर इनपुट ये जो डाटा है जैसे कि इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद Alt F3 प्रेस करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ओके अंडो, ओके। यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कैपिटल आएगा, इंटर योर नेम, ओके। और यहाँ पर जैसे कि आप पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, आप पासवर्ड को टेक्स्ट तो यहाँ पासवर्ड कर सकते हैं, तो मैंने पहले नहीं किया था, अब आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम, ओके, यहाँ पर कॉलन सेव। और इस तरीके से यहाँ पर आप इसको टाइप कर सकते हैं जैसे कि पासवर्ड, ओके, सेव। और नीचे यहाँ मैं ब्रेक ऐड करता हूँ एक, और
इसको हम ऐसे करते हैं, div लेते हैं और यहाँ क्लास लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की, और इसके अंदर हम एक लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट बटन, ओके। और इसका जो नाम यानी कि नेम हम देते हैं btn, और वैल्यू पास करते हैं सबमिट फॉर्म, ओके। सेव करता हूँ इसको मैं, और जो बूटस्ट्रैप क्लासेस जैसे कि btn प्राइमरी बटन, और btn क्या हो, लार्ज हो, ओके। सेव करता हूँ इसको मैं, ओके। अब ये जो फॉर्म है गाइज हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस मॉडल को यूज़ कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए मैं किस लॉगिन बटन में हमें यूज़ करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ पर डाटा टोगल एट्रीब्यूट है, डाटा टोगल, ठीक है। डाटा टोगल क्या होगा, हमारा मॉडल होगा, ठीक है, ठीक है। बटन प्रेस करूँगा तो ये टोगल करके आपको शो हो जाएगा, ठीक है, मॉडल, ओके। और डाटा टारगेट में गाइस जो आईडी है ना, ये वाली जो आईडी, इसको मैंने यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। तो आईडी को प्रेजेंट करते हैं हैश के साथ, और मॉडल मॉडल वन, ठीक है, सेव। तो अगर इसको ओपन करूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ रिफ्रेश करूँ इसको, अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए शो नहीं हो रहा ये। अगर मैं इसको चेक करूँ कि क्या प्रॉब्लम है, अच्छा स्पेलिंग यहाँ पर हमने गलत लिखे हैं, मॉडल, ठीक है, सेव। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो आपको इस तरीके से ये मॉडल शो हो गया, ओके। अगर मैं सबमिट पे करता हूँ तो सबमिट भी हो जाता है, ओके। तो एक चीज़ और गाइस, हमने यहाँ पर नेम का जो एट्रीब्यूट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने ऐड ही नहीं किया, ओके। तो यहाँ पर हम वो एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, कहाँ गए, यहाँ पर इधर ऐड करते हैं, ठीक है, नेम, और इसको मैं कहता हूँ नेम, और इसको हम कहते हैं पासवर्ड, ओके, सेव। और ये जो फॉर्म है इसके अंदर जो मेथड होगा, ओके, मेथड जो है वो होगा पोस्ट, और एक्शन जो जहाँ पर एक्शन होगा फाइल का, उस फाइल का होगा ये, क्योंकि लॉगिन का फाइल है ना, तो लॉगिन डॉट पी एच पी, हमें अभी फाइल नहीं क्रिएट किया, लेकिन मैं एक्शन एडवांस में दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना काम गाइज हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। अब नेक्स्ट है कि हमने जैसे साइन इन करेंगे तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो साइन इन के लिए हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट, मुझे इस फाइल से बाहर ले जाओ, और कहाँ जाना है मैंने, साइन इन फॉर्म में, ठीक है, रीडायरेक्ट हो जाऊँगा कहाँ पर, साइन इन फॉर्म डॉट पी एच पी के अंदर, ठीक है, सेव करता हूँ। और यहाँ पर मैं इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, साइन इन, ठीक है, साइन इन फॉर्म, ओके, साइन इन स्पेलिंग, ठीक है, साइन फॉर्म डॉट पी एच पी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं एचटीएमएल का, ओके, यहाँ पर ऐसे करते हैं, बॉयलर प्लेट यूज़ करना था मैंने, और यहाँ पर लेता हूँ बी फोर सी डी एन, ओके, सी बी फोर सी डी एन, ओके। और यहाँ पर इसको हम एक एच वन लेते हैं, ठीक है, और ये लिखता हूँ साइन इन फॉर्म, ठीक है। कुछ क्लासेस जो हैं वो ऐड करते हैं, जैसे कि बीजी जो है वो प्राइमरी हो, ओके, पैडिंग जो है वो फोर हो, ओके, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो, टेक्स्ट जो है वो वाइट हो, ओके, सेव करता हूँ। और नीचे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है, b4, ठीक है। और ये मेथड क्या होगा, अब यहाँ पर पोस्ट होगा, ओके, और एक्शन क्या होगा, एक्शन होगा साइन इन डॉट पी एच पी पे, ठीक है, साइन इन डॉट पी एच पी, अभी मैंने फाइल क्रिएट नहीं किया, लेकिन वैसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो ये है ना, इसको तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, ओके, ये सेलेक्ट, आर्ट F3 प्रेस करता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये टू जो एक्स्ट्रा हुए हैं, इनको तो हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये, इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आएगा यूज़र नेम, ओके, और यहाँ पर स्पेस और कोलन, और इस तरीके से यहाँ पर भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि पासवर्ड आ सकता है या ईमेल, ये ओके पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड, ओके। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी हम इसको देते हैं पासवर्ड टाइप, हम पासवर्ड कर देते हैं ताकि ये हाइड हो जाए, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं जैसे कि इंटर योर नेम, ठीक है, ओके।
यहाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या आएगा, इंटर योर पासवर्ड, तो यहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड, सेव करता हूँ। और अब इनके जो नेम है, जैसे नेम एट्रीब्यूट है, वो भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम, और ये नेम होगा, और नीचे वाला क्या होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, सेव। ओके, अब जैसे कि इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ, यहाँ पेस्ट, फिर पेस्ट। अब हमारे पास जैसे कि पासवर्ड है, ईमेल है, ओके, यहाँ लिखता हूँ ईमेल, ओके। और यहाँ पर हम कर देते हैं लेट्स से, जैसे ईमेल के बाद और क्या हो सकता है, जैसे कि एड्रेस, ठीक है, ओके, सेव, ठीक है। अब जैसे कि ये टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा इसका, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप टेक्स्ट होगा, ओके, सेव। इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर ईमेल आएगा, यहाँ पर एड्रेस आएगा, ओके, सेव। यहाँ पर हम एक ब्रेक टैग देते हैं, ओके, और यहाँ पर हम एक बटन लेते हैं, ठीक है, और इसको हम देते हैं नेम btn, ओके, और यहाँ पर देते हैं सबमिट फॉर्म, ओके। और कुछ क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप को अवॉइड करेंगे, btn प्राइमरी, btn लार्ज, ओके, सेव। तो अगर मैं इसको अब ओपन करूँ, अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं देखिए फॉर्म में आ चुका हूँ। एक काम और करते हैं गाइस, इस सारे फॉर्म को हम ऐसे करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद इसको मैं डॉट कंटेनर, ओके, टैब प्रेस करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव। अब अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो अब ये आपको बिल्कुल सही से दिखाई देगा, ठीक है, ओके। एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी हमारे पास जैसे कि लेबल है ना, इनका जो कलर है वो हम कर देते हैं प्राइमरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 है, Alt F3 प्रेस करता हूँ, ओके, ये सारे 4 सेलेक्ट हो गए, हम लेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ऐसे नहीं होगा, यह हम खुद ही सेलेक्ट कर लेते हैं लेबल, यहाँ पर लेबल, ठीक है, और यहाँ पर लेबल, क्लास ऐड करते हैं, टेक्स्ट जो होगा वो प्राइमरी होगा, ठीक है, सेव। अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो टेक्स्ट क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, ओके। इस तरीके से हमने साइन इन फॉर्म भी क्रिएट कर लिया, और ये भी हम क्रिएट कर चुके हैं। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन शो हो जाता है, और साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो साइन इन शो हो जाता है, ओके ओके। तो गाइज, इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो सारा जो स्ट्रक्चर है मेन के फ्रंट एंड काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे कि हम बैक एंड पे जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी सब काम वो कैसे करेंगे, ओके। तो गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।